सत श्री अकाल जी, हमदर्द टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम ओपन हाउस के विच मैं हाँ मनप्रीत कौर ते लैके हाजिर हाँ जी रीयल स्टेट संबंधी जानकारी। कैनेडा विच इस समय घर के की हालात बने हुए ने, इस संबंधी एक रीयल स्टेट बोर्ड के वलों डाटा जारी किया गया, जिस दे विच ये गया कि घर के जिहड़े प्राइज ने वो हाई गए ने, बट रियलिटी की है इस दे बारे अज असीं गल करांगे कि जिहड़ी आ घर नूं इस समय खरीदना जां बेचना चाहुंदे हो तुसीं अपने घर नूं, किस तरह के हालात ने, कैनेडियन रीयल स्टेट मार्केट किधर जा रही है, इस सारे संबंधी असीं गलबात करांगे। मेरे नाल इस समय स्टूडियो के मौजूद ने जी अरोड़ा फार्म हाउस तो प्रवीण अरोड़ा जी ते दिनेश अरोड़ा जी। सत श्री अकाल सर। मनप्रीत जी, मेरे वल्लों अपने हमदर्द दे सारे ही दर्शकों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल जी। की हाल है सर? बस ठीक है जी, वापस आ गए जी शो च। बिल्कुल, एक बार असीं दर्शकों नूं भी दस दईए कि साडा इह अज दा लाइव प्रोग्राम तुसीं हमदर्द मीडिया ग्रुप दे यूट्यूब पेज से लाइव देख सकते हो। तुहाडे कोई सवाल ने रीयल स्टेट नूं लैके, जां तुसीं अपना कोई रीयल स्टेट संबंधी कोई भी जानकारी चाहुंदे हो, तुसीं सानूं अज दे इस लाइव प्रोग्राम दे विच कॉल कर सकदे हो। ते कॉल करन लई तुसीं डायल करना है जी 6473667777। सर जी, वापस आईए असीं रीयल स्टेट दे उपर, की हालात बने हुए ने इस समय रीयल स्टेट मार्केट के। मनप्रीत जी, जो कि जो पिछला हफ्ता गया वा, जिहड़ियां नंबर ऑफ सेल्स ने लगातार उन्नियां की चल रही ने, जिवें आपां कहीए कि जिहड़ियां टोरंटो की मार्केट आ जी, इहदे च तकरीबन 500 के करीब जिहड़ियां ने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दियां पर वीक सेल हो रही ने, ते तकरीबन 300 के करीब जिहड़ियां कॉन्डोज वगैरह ने वह सैल हो रही ने। कॉन्डो की जिहड़ी सेल आ थोड़ी जी थले जरूर आ, बट जिवें रीसेल की जिहड़ियां सेल्स ने लगातार उही नंबर बनिया आ रहा वा, ना तो मार्केट के कोई सेल्स के कोई बहुत बड़ा नंबर वधिया वा तो ना ही घटिया वा। बाकी जिदा कि इंट्रस्ट रेट होल्ड होया सीगा जिहड़ा लास्ट टाइम अक्टूबर के, उस तो बाद लगता सीगा भी शायद कोई मार्केट के कोई चेंज आएगी बहुत वड्डी, पर कोई बहुत वड्डी चेंज नहीं आएगी। बट यह है कि जो सेल्स ने उन्हां दी कंसिस्टेंसी बनी हुई है, तो जिहड़े प्राइसिज भी ने रीयल स्टेट मार्केट के, वह भी जिवें कह लो कि कंसिस्टेंटली उही प्राइस चल रहे ने, जिहड़े कि पिछले एक डेढ़ महीने तो मार्केट के सीगे, मतलब प्राइस के भी कोई बहुत लंबी चौड़ी आपां नूं कोई चेंज देखण च नहीं मिल रही जी। सो बट ये भी जिहड़ा हुण स्टैट जारी होया अक्टूबर के महीने, यह भी कहा गया कि रीयल स्टेट बोर्ड दे बोलो कि प्राइस ने जिहड़े ओह हाई गए ने, बट रियलिटी ये हैगी, मतलब कुछ लोग कह रहे ने कि नहीं, प्राइस जिहड़े ने डाउन होए ने क्योंकि इंटरेस्ट रेट जिहड़ा काफी हाई गया, वध होण करके जी। ते एक कंफ्लिक्ट क्यों है, की कहना चाहोगे इस बारे? ये सब तो पहला तो मैं ये चीज़ अपने दर्शकों को क्लीयर करनी चाहवागा जी कि जिहड़ा टोरंटो रीयल स्टेट बोर्ड का डेटा आया जी, वो उन्होंने कंपैरिजन किया कि जिहड़ा अक्टूबर का महीना सी 2023 का, वो अक्टूबर का महीना जिहड़ा 2022 का सी, उहदे नालों उहदा जिहड़ा डिफरेंस सी, वो डिफरेंस की सीगा जी, वो जिहड़ा डिफरेंस आ अक्टूबर 2022 तो लैके अक्टूबर 2023 दे विच, वो तकरीबन 3-4% जिहड़ा प्राइस आ उपर गया, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट एरियाज। वो जिहड़ा 4% मनप्रीत जी जिहड़ा प्राइस उपर गया, वो एक चीज़ मैं इत्थे क्लीयर करनी चाहुंदा कि वो प्राइस एक साल दे विच उपर गया जी, उहदे नाल की है कि आपां नूं एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि जिहड़ा मार्केट दे विच डाउनवर्ड ट्रेंड सीगा घरां दा, जिहड़ा कि हजे भी शायद किसी ना किसी एरिए दे विच हैगा, क्योंकि कई बार की हुंदा कि लोकी किसी लोकल एरिए दे बारे देख के वो परसैप्शन बना लेंदे आ कि घरां दे प्राइस आ जिहड़े थले जा रहे ने, और किसी ना किसी थां ते इदां भी गल हो जांदी है जदों मार्केट दे विच डिफिकल्ट सिचुएशन हुंदी है, कई सैलर ने जिहड़े काफ़ी ज़्यादा मोटीवेटड हुंदे ने, वो जिहड़े सैलरस काफ़ी मोटीवेटड हुंदे ने, वह कोई ना कोई प्रॉपर्टी काफ़ी सस्ते प्राइस ते वेच जांदे ने, पर जिहड़ा ये डेटा आउंदा जी वह आउंदा वा एवरेज सेल प्राइस का जी। एवरेज सेल प्राइस का मतलब की हुंदा कि चाहे डिटैच घर आ, चाहे सैमी डिटैच घर आ, चाहे वह टाउन हाउस आ, चाहे वह ब्रैम्पटन दे विच आ, चाहे वह मिसिसागा दे विच आ, चाहे वह टोरंटो दे विच आ, वह सारिआं दा जो एवरेज कढ के डेटा हुंदा जी, वह डेटा वा कि जिहड़ा यह एवरेज प्राइस आ घर का, वह तकरीबन 3-4% आ जिहड़ी उहदी ग्रोथ हुई आ पिछले साल के अक्टूबर के कंपैरेटिवली। बाकी जे आपां हुण किसी इंडिविजुअल पॉकेट के बारे गल करिए, किसी थां ते प्राइस का जिहड़ा वह थले भी हो सकता वा उस महीने के कंपैरेटिवली, जदों वह थले होएगा तो कई लोग ये भी सोच रहे होणगे भी तुसीं एक पासे कह रहे हो कि प्राइस उपर आ, दूजे पासे साढ़े एरिए दे विच प्राइस आ जिहड़ा इत्थे घटिया वा जी, वह जिहड़ी चीज़ आ वह गल उह वी उहनां दी वी सही आ, वह सिर्फ की है कि वह एक छोटे एरिए नूं देख रहे ने, एक पर्टिकुलर पॉकेट के विच प्राइस बारे गल कर रहे ने। यह जिहड़ा टोरंटो रीयल स्टेट बोर्ड ने डेटा इशू किया, वह जिहड़ा डेटा वह पूरे जी टी ए का पूरा मतलब शहर का, उहदे च जिवें कह लो जी टी ए ते बाहर दीआं वी जिहड़ियां रीजनस ने, जिवें पील रीजन हो गया, यॉर्क रीजन हो गया, ये जिहड़े सारे रीजनस ने, वह सारे रीजनस का भी डेटा लैके जो एवरेज सेल प्राइस आया पिछले साल अक्टूबर के मुताबिक,
वो प्राइस का जोड़ा वा वो डेटा वा वो 3-4% जी मार्केट के चेंज हुई है। बाकी जिमें आप लोकल मार्केट्स की गल करिए दिनेश अपन की लगता कि जिमें पिछले साल के मुताबिक पील रीजन के मैं लग रहा कि पील रीजन के भी शायद 1-2% की ग्रोथ हैगी है। हाँ अगर उन्होंने पिछले साल अक्टूबर टू अक्टूबर कंपेयर करिए तो उसके विच 1-2% की ग्रोथ हैगी है। स्पेशली जो आप छोटिया प्रॉपर्टीज देख रहे हैं या कोई 1.45 की मिड रेंज दी प्रॉपर्टियां देख रहे हैं जिहड़ियां थोड़ी जी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी ने जिन्हां दे प्राइस 2 मिलियन प्लस ने उन्होंने थोड़ी जी ड्रॉप हैगी है। बट ओवरऑल जो पील रीजन चो निकल के अगर आप कोई हॉल्टन का रीजन हो गया या कोई थोड़ा जा होर GTA तो बाहर अगर कोई पिकरिंग हो गया एजैक्स हो गया कई बार इदा के एरिए देखते हैं या केम्ब्रिज किचनर वो भी कुछ एरिए बोर्ड के ने जिदा उत्थे तो अगर उन्होंने एरिया देखते हैं तो उत्थे थोड़ी जी एक्टिविटी ज्यादा है हजे भी प्रॉपर्टियां थोड़ी तेजी नाल सेल हो रही हैं क्योंकि प्राइस पॉइंट उत्थे कोई बहुत ज्यादा उपर पहले भी नहीं सी गया। इत्थे कई बार कई चीजा ते प्राइस पॉइंट काफी उपर चला गया सी तो उहदे करके कई बार इंडिविजुअली लोगों पॉकेट टू पॉकेट एरिया टू एरिया कई बार लगता है कि बई इस एरिए प्राइस घट रहे हैं पर जो ओवरऑल उन्होंने कंपाइल करते हैं सारे ट्रिप के उपर जिन्नियां ट्रांजैक्शन हुई हैं उहदे फ्री होल्ड भी हो गई या नाल दी नाल अगर उन्होंने कोई कॉन्डोमीनियम बिल्डिंग वगैरह भी ने दिमाग चीज आ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪੀਕ 'ਤੇ ਸੀਗੀ ਹਰ ਆਦਮੀ ਉਹ ਪੀਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੀਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੀਕ ਸੀਗਾ 2022 ਅਤੇ 23 ਦੇ 2022-21 ਦੇ ਐਂਡ ਅਤੇ 22 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਪੀਕ ਹੋਇਆ ਆਈ ਥਿੰਕ 2022 ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਉਹ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗਰੋਥ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਸ ਗਰੋਥ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਾਰਕੀਟ 20-25% ਥੱਲੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 2019-2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਗੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਡੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਟੈਡੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਟੈਡੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਨਨੈਚੁਰਲ 20-25% ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਗਰੋਥ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰੋਥ ਥੱਲੇ ਆਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨੋ ਡਾਊਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਅ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਇਹ 1.8 ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹੀ ਘਰ ਹੁਣ 1.4 ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਾਂ 1.3 ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਘਰ 4 ਲੱਖ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ 5 ਲੱਖ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵੈਸੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਈਅਰਲੀ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਜੀ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਹਾਈ ਨੇ ਅਗਰ ਨੋਰਮਲ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਬਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਾਊਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਟਰਲੀ ਬਿਟ ਹਜੇ ਵੀ ਹਾਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰਾਂ ਦੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਰੋਥ ਵਾਲਾ ਉਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ 2019-20-21 ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੇਟਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਆ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਆ ਉਸ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਟ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਂ ਨੇ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸੈਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਘਰ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ
कि जिहड़े तां एंड यूजर ने जी जी नो डाउट कि इस टाइम मॉर्गेज की पेमेंट तो ज़्यादा सारिया की आ अज की मार्केट के कोई मैनू नहीं लग रहा कि दिनेश कोई भी बंदा जिन्हों हीट ना लग रहा हो राइट अज की मार्केट के तुम ये गल कह सकते हो कि ये जो इंट्रस्ट रेट बढ़िया जां ये जो मार्केट के चैलेंज आया चाहे वह बायर आ चाहे वह सैलर आ चाहे वह लैंडलॉर्ड आ चाहे वह टेनेंट आ ईवन दो जे आप गल करिए जेडे लोग लैंडर भी सी जी जिन्हां ने मार्केट के लोगों ने पैसा लैंड किया हो घर अगेंस्ट अज उन्हां नूं भी हीट लग रहा क्योंकि जे उन्हां दीआं पेमेंट्स नहीं आ रही गियां कई लोग उन्हां दीआं पेमेंट्स नहीं कर पा रहे गे और जे वह घर नूं बेचदे आ तां वह भी उत्थे पैसे लूज कर रहे देखो सेक तां हर आदमी नूं इस मार्केट का लग रहा इहदे च कोई दो राय वाली गल नहीं है पर असीं अज भी हमेशा यह गल कहिंदे आ कि जे तुसीं अपने घर नूं मेनटेन कर सकते हो तुहाडी अफोर्डेबिलिटी बनती है कुछ भी अपने आप को जिदा मर्जी औखा सौखा करके तो उन्होंने मेनटेन जरूर करो क्योंकि आने वाले टाइम के जो भी मार्केट ने नॉर्मल होना मार्केट ने नॉर्मल जिमें कह लो कि प्राइस ने दोबारा फिर एक लैवल पर आना ही आना वा तो जो उस लैवल पर आने तो जी इक्विटी है इस टाइम ने तुम बेचोगे तो थोड़ी वो इक्विटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी पर जे तुम उन्होंने मेनटेन कर जाने तो जी इक्विटी है वो दोबारा रीबिल्ड कर सकते जी पर सर हजे भी लोगों के मन यही डर हैगा कि जेने ने प्राइस डाउन ही जाने ने बट तुसी कह रहे हो स्टेबल हो होंगे कद हजे भी जिम्मे प्राइस पता कि मतलब हजे भी जो आप डेटा देखिए जे उ मैं गल कर रहा कि जिहड़ी ग्रोथ अननैचुरल हुई सी जी 25-30% तक ग्रोथ हुई है जी उस पीरियड के तकरीबन इन्नी मेरे ख्याल 30% आपू अज भी जो आप देखिए अपन 30% तो थोड़ा ज़्यादा कि ड्रॉप नज़र आ रहा है किसी प्रॉपर्टी से हजे भी उन्ना की ड्रॉप है अगर किसी प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी एक 2% अगर कि नज़र भी आ रहा ना तो वो कई बार की है कि जो बंदा बाहर बैठा है या जो कोई नेबरहुड देख रहा है उन्होंने लग रहा है कि बहुत सस्ता वेच गया बट ऑन द सेम टाइम कई अज भी सैलर है वो उन्होंने सस्ता वेच के कितने ना कि उस चीज़ को अकॉम्पलिश कर रहे अगे जो उन्होंने अगे टारगेट है मान लो पहले मेरा घर 1.5 million का उदो मैं लगता है शायद मैं 2 million वाला घर खरीद लवा हूँ मेरे घर की कीमत जी रह गई 1.2 million तो मैं अगे भी जो घर है 1.5 million मिल रहा तो जे अगर मैं आज दी रेट अपना घर 1.2 million का सैल कर दिना पर अगे जिथे मैं अगे 500,000 ज्यादा दे रहा उ मैं सिर्फ 300,000 ज्यादा दे रहा मैं 1.5 जो ही 2 million वाला घर मिल रहा जी तो कितने ना कि लोग कोई ना कोई चीज अकॉम्पलिश भी कर रहे हैं भी वो अगर उसे मार्केट के कोई बाइंग सैलिंग कर रहे हैं अगर वो थोड़ा सस्ता बेच रहे तो अगली चीज भी सस्ती लै रहे पहले वो अपना महंगा बेच रहे थे तो अगे भी महंगा ही खरीद रहे थे तो कुछ सैलर तो इदा के भी है भी जेडे कोई ना कोई अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं वो एट पार ही ने आइदर उन्होंने सस्ता विकया या महंगा विकया हाँ कुछ अंक दिया चलो आप मन भी सकते हैं कि कोई मतलब उन्होंने कोई मजबूरी भी हो सकती है कोई होर घर के हालात फाइनैंशियली कोई मार्केट के जॉब के बिजनेस के चेंज हो जाते हैं करके 1-4% तो हर मार्केट के देखो कुछ बंदे रहिंदे ही है जो थोड़ा लूज भी करते हैं पर उन्होंने छड़ के अगर ओवरऑल देखा जाए तो कितने ना कि बंदे अकॉम्पलिश भी कर लेंगे जो चीज़ करना चाहते थे पहली मार्केट के एक्चुअली इतने मनप्रीत जी मैं चीज़ होर दसनी चाहवागा कि इतने जो इशू है ना जी प्राइस के नालों ज़्यादा इशू आ मॉर्गेज की पेमेंट का जी बिल्कुल हुण प्रॉब्लम कित्थे आई है जी प्रॉब्लम यह आई है कि जिहड़े बंदे ने अज तो 3 साल पहला भी घर लिया जी उन्हें चलो तेज मार्केट च घर नहीं लिया ठीक है जी उन्हें 3 साल पहला घर लिया किसी ने 5 साल पहला घर लिया जी 3 साल की भी आप गल छड़ीए 5 साल पहला भी किसी ने घर लिया जी हुण जिहड़े बंदे ने 5 साल पहला घर लिया 5 सालों के जे आप दिनेश गल करिए 25-30% की ग्रोथ में छड़ के तो एवरेज 5% साल की ग्रोथ सी 25% होर ग्रोथ आप घटा लीए जे किसी बंदे ने जी जे कोई घर लिया वा 5 साल पहला भी लिया तो उन्हें जी अपनी मॉर्गेज की कैलकुलेशन की हुई सी जी वो 2-3% ब्याज के हिसाब न कैलकुलेशन की हुई सी ठीक है जी हुण समस्या कित्थे आ रही है भावें उन्होंने मॉर्गेज की अमाउंट ना भी वधे मान लो उन्होंने मॉर्गेज की अमाउंट ना भी वधे बट उन्होंने जी पेमेंट आ पेमेंट उन्होंने काफ़ी वध गई इस करके वो लोगों को काफ़ी मुश्किल आ रही है दूजी जी सब तो ज़्यादा इस मार्केट के अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुई है जो सैड पार्ट जिमें आप कह लिए कि इस मार्केट के वो ये होया कि जेडे लोगों ने बाइंग उस मार्केट के की जिड़ी मार्केट उपर सी बट उन्होंने अपनी प्रॉपर्टियां सैल नहीं कीतिया उन्होंने कई कारण से कई ने तो नवे घर की बाइंग की हुई सी उन्होंने ये साड़िया क्लोजिंग साल या 1.5 साल बाद असं उदों अपना घर बेचांगे कई ने यह सोचा कि भी हजे आप अपना घर नहीं बेचना बाद च बेचा उन्होंने होल्ड कर ले प्रॉपर्टी वो
ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੀਟ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਇੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੈਲਿੰਗ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਇੰਗ ਸੈਲਿੰਗ ਸੇਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਊਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ, ਹਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਇੰਗ ਸੈਲਿੰਗ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੋ ਪਾਸੇ ਫਸ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਤਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਤਲਬ ਬਾਇੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਲੀ ਰੇਂਜ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੈਲਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਮੇਰਾ ਇਸੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਸੋਇਲ ਲਾਸ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਆਫਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਫਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਫਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਆਫਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇਨਫਲੇਟਡ ਸੀਗੀ, 25-30% ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10% ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 15 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ ਵੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਬਾਇਰ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਇਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਬਾਇਰ ਐਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੇਰੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਂਜ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਟ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ 4-5 ਵੀਕ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੇਲਸ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਜਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਰੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅੱਗੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਲਡ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਟਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਸਮਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਪ ਵੀ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਇਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ।
स्टीफन फर्नीचर की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन सेल। इस साल फेस्टिवल सीजन में अपने घर को भी जरूर सजाइए। अपने मनपसंद बेस्ट क्वालिटी हाई एंड ब्रांडेड फर्नीचर पे कोई भी रीजनेबल ऑफर एक्सेप्टेबल होगा, तो फिर आज ही स्टीफन फर्नीचर आए और अपने घर को स्टीफन फर्नीचर के बड़े बड़े ब्रांडेड फर्नीचर पे बड़ी बड़ी डील्स का फायदा जरूर उठाए। सर्विंग सिंस 1992, फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल, टू लोकेशन टू सर्व यू। स्टीफन फर्नीचर की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन सेल। Join Tiger Santa for Miracle on Main Street in downtown Brampton on Friday, November 17th. Free admission with a donation of a new unwrapped toy. There will be free amusement rides, entertainment, vendors, pony rides, tree lighting, and so much more. For more information, visit miracleonmain.ca. ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस ते दिवाली दियां बहुत बहुत मुबारकां ते दिवाली ते स्पेशल प्रमोशन दे विच जिथे तुहानू कलरफुल लॉन्ड्री जिहदे शैंपेन कलर है, नेवी ब्लू कलर है, एमरल्ड ग्रीन कलर है, उहदे नाल नाल लोएस्ट प्राइस ते दिवाली स्पेशल ते साडे कोल टीवी सैक्शन च 65 इंच का टीवी $1400 वाला $899 च, तो 75 इंच टीवी $1900 वाला सिर्फ $1299 का, और 85 इंच टीवी सोनी या सैमसंग कोई भी ब्रांड लेना हो $2800 तो सिर्फ $1899 का दिवाली ते स्पेशल दिता जा रहा। सो एक बार जरूर विजिट करो, दिवाली दियाँ स्पेशल खुशियां रल के मनाओ। हैप्पी दिवाली टू फ्रॉम ऑल द ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस की मैनेजमेंट वालों, साड़ी पूरी कम्यूनिटी नू हैप्पी दिवाली। स्वागत है जी। ब्रेक तो बाद असी गलबात कर रहे सी रियल स्टेट संबंधी। दिनेश जी, अगर गल कर लिए रिसेशन दी, ते रिसेशन दे विच इस समय जिहड़े रियल स्टेट दे की हालात बने हुए ने? देखो, ये थोड़ा बया जो लोगों का माइंडसैट वीक हो जाता है या कितने ना कितने, अगर जिस तरह आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का परपज है कि इंटरस्ट रेट बढ़ाया जाऊगा, वो जी इनफ्लेशन है वो चीज़ा कंट्रोल हो जाएगियाँ, कितने ना कितने जदों उहदी हीट सारयां नूं महसूस होई। अगर कितने ना कितने कोई ऑर्गेनाइजेशन भी देखिया जाए जदों उन्हां दे एक्सपेंस वधे, जिन्हां ते उन्हां दे ऑफिस ने या बिजनेसिस ने जदों उन्हां दे उपर रेंट उन्हां दे परसनल एक्सपेंस वधदे ने, वो कितने ना कितने अपने इंपलॉइज नूं कट करना शुरू कर देंदे ने। वो जदों कट करना शुरू कर देंदे ने तां वो मतलब नैचुरली एक रिसेशन की एक फील देने लग जाता कि कितने ना कितने वो चीज़ आने लग जाती हैं, बट वो कोई मतलब बहुत चंगा इंपैक्ट नहीं है। कितने ना कितने जिथे जिथे कोई भी बिजनेस इस तरह के ने जिन्होंने कोई चीज़ा अपन नहीं ठीक तरीके प्लैन कीतियाँ या जिन्हों का कुछ फाइनैशियल सिचुएशन या स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का सी कि वो इस तरह के इंट्रस्ट रेट जिहड़े हाइक होए या कोई जिहड़ियां होर चेंजेस हुई उन्हां नाल नहीं एडजस्ट कर पा रहे या उन्हां दी कोई प्लैनिंग नहीं सी, तां उत्थे कितने ना कितने वो जिहड़े इंपलॉइज ने उन्होंने अपने ले ऑफ भी करने पे, तो उहदे नाल मार्केट दे विच एक तां अगे ही बायर का थोड़ा जिहा माइंडसैट लो सी और कुछ उन्हां चीज़ां के हालात देखण दे नाल बायर नूं थोड़ा जिहा होर लगन लग जांदा मार्केट दे विच वी अज दी रेट कोई भी डिसीजन ना बनाया जाए या होल्ड कर लिया जाए, तो उहदा एक थोड़ा जिहा नैगेटिव इंपैक्ट तां हैगा मार्केट दे उपर जदों इस तरह दियां मतलब न्यूज़ या इस तरह दियां जिहड़ियां चीज़ां आउंदियां हैगियां मार्केट दे विच। बट ओवरऑल देखा जाए तो इन्हों ही टाइम के जो कोई बायर है जिहड़े थोड़े जे फाइनैशियली फिजिबल पोजिशन से ने या जिन्हों जॉब्स वगैरह ठीक ने या जिन्हों के अपने कोई बिजनेस ने या जिन्होंने चीज़ा अपन प्लैन कीतियां हुई उन्होंने लिए कितने ना कितने इस टाइम के कोई ऑपरचुनिटी भी है भी अगर कोई भी प्रॉपर्टी उन्होंने उन्होंने टर्म एंड कंडीशन के उपर रीजनेबल प्राइस के उपर मिलती है तो वो कई ना बारी वो प्रॉपर्टियां जिहड़ियां ने वो गेन भी कर सकते हैं, वो लै भी सकते हैं उदा दियां प्रॉपर्टियां। जी, मेरा इस रिलेटेड तुहाडे तों क्वेश्चन है जी कि यह देखा गया कि फस्ट जिहड़ा बायर्स ने होम बायर्स जिहड़े इस समय रिसेशन के पीरियड के घर खरीदना चाहते हैं या फिर कोई भी बायर जिहड़ा खरीदना चाहता कि उन्होंने इस समय कि गलों का ध्यान रखना चाहिए रिसेशन पीरियड के। देखो, जिहड़े फस्ट टाइम बायर्स ने जी उन्होंने लिए असं हमेशा एक गल कहने कि जो सानू GTA की मार्केट लगती आ इस मार्केट के जदों भी वह मतलब महसूस करते हैं कि उन्हों की अफोर्डेबिलिटी बन रही है तो उन्होंने मार्केट एंटर जरूर करना चाहिए वा, पर जी ये मार्केट है ये मार्केट उन्होंने लिए बहुत व्डा जिमें कह लो कि फायदा कर रही है। ये वाली मार्केट फायदा यह मार्केट इदा कर रही है यह बहुत व्डा कि इस मार्केट के प्राइसिस से जेडे वो काफ़ी एडजस्ट हो गए। हूँ तुम इमेजिन करो जेडे फस्ट टाइम बायर ने अज तो 1.5 साल पहला कोई प्रॉपर्टी बाय की है जी, जदों के प्रॉपर्टी का प्राइस 25-30% उपर सीगा जी, वो 25-30% उपर मार्केट के बाय कर गया जी अपनी 10% डाउन पेमेंट के नाल। अगर अज उस बंदे की हालत देखी जाए तो वह प्रॉपर्टी है जी 20-25% थले आ गई जी, वो 10% तो जी सी आपकी वो तो
चलो खत्म हुई हुई प्लस 15% होर थले आ गया मार्केट दे विच। वो जिहड़ी सिचुएशन सी वो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन सी उस टाइम दे विच। वो जिहड़ियां चीज़ां ने जिद्दां मैं पहलां गल कीती आ कि कई लोग इस साइकल दे विच गलत तरीके नाल फस गए। वो बेचारियां दा एक अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं भी उन्होंने उन्होंने कोई नोइंगली मिसटेक की हूँ कोई फस्ट टाइम बायर आ। बंदे नूं रहण नूं घर जगह चाहिए आ। हुण कई साडे नाल भी बायरस ने जिन्हां ने उस टाइम ते बाइंग की आ पर अज उन्हां नूं उस तों थले प्राइस बेनिफिट जरूर ले जाएंगे। हाँ यह चीज जरूर है कि अज फर्स्ट टाइम बायर क्वालीफाई होना ते मॉर्गेज की पेमेंट करनी वो दोनों ही एक चैलेंजिंग चीज़ा ने क्योंकि इंट्रस्ट रेट काफ़ी हाई आ। क्वालीफाई होना ही अज की रेट च काफ़ी औखा वा। अज मैं एक बैंकर नाल गल कर रहा सी, मैं उन्होंने पूछ रहा सीगा कि जे किसी बंदे दी लख डालर इनकम होवे तो किन्नी क मॉर्गेज लै लैणगे। वो कहिंदे 4 लाख की। तो जे हुण देखा जाए 4 लाख की अमाउंट नाल इत्थे जी टी ए च कुछ भी नहीं आउंदा जी। 4 लाख की मॉर्गेज दे नाल इत्थे तुहानूं कोई भी घर माड़े तो माड़ा घर भी फर्स्ट टाइम बायर वाला अज की मार्केट के भी मैं नहीं लगता 8 लाख तो थले कुछ मिलता 7-8 लाख तो जी। हूँ 7-8 लाख तो थले है जे तुम लख डालर अपनी डाउन पेमेंट भी पाई है जी एज ए फर्स्ट टाइम बायर तो भी थोड़ी जी पेमेंट आ वो पार्ट आ जोड़ा जोड़ा भी बंदा अज की मार्केट के मॉर्गेज की पेमेंट लिए क्वालीफाई हो रहा वा जी और ज पेमेंट कर पा रहा मैनू ये लगता जी कि उन्होंने वास्ते बाइंग वास्ते बेस्ट टाइम होगा जी। मेरा इस रिलेटिड क्वेश्चन से थोड़े न कि मनिया कि प्राइस ने जो डाउन चले गए घर के बट इंटरस्ट रेट तो फिर भी हाई है कि उन्होंने सही समय है ये पता की है जी। ये मनप्रीत जी मैं अगे भी एक बार शो के गल की थी जी ये जिहड़ा इस टाइम सिचुएशन है ना एक ब्याह करवाना एक किसी नाल डेट करना जिहड़ा प्राइस घट होना यह ब्याह करवाने वाला काम आ कि तुहानू ये फॉर एवर आ प्राइस जिहड़ा घट हो गया इहदा बेनीफिट तुहानू फॉर एवर मिलना। जिहड़ा इंटरस्ट रेट है डेटिंग वाला काम आ यह अज थले उपर है कल ने थले भी आ जाना वा इस इंटरस्ट रेट ने। सो जिहड़ी चीज़ यह है कि जिहड़ा लोएसट प्राइस आ मार्केट का यह हमेशा बेनीफिशियल हुंदा किसी भी बायर वास्ते। हाँ ये गल मैं जिदा पहले ही कही है कि जी पेमेंट क्वालीफाई होना ये बारे असं हूँ कुछ कह नहीं सकते कि ये असं जरूर मानते हैं कि ये जी चीज़ आ पर जिन्हें जे हूँ मनप्रीत जी इंटरस्ट रेट थले आऊगा मान लो जी तब उदो प्राइस भी फिर उपर जाना शुरू हो जाने मतलब उदो आपां ये लगेगा भी साड़ी पेमेंट घट आ बट आप प्राइस ज़्यादा पे करांगे। हूँ अज तुसीं एक चीज़ देखो जिहड़ा बंदा अज क्वालीफाई हो पा रहा यह ठीक है कि क्वालीफाई होना औखा मैं बार बार यही गल कह रहा कि मॉर्गेज की पेमेंट करनी औखी है पर जिहड़ा उहदी लोन अमाउंट आ वह घट आ अज जी जबकि जो रेट ने उपर थले आ जाना तो उन्होंने लोन अमाउंट इतने चले जानी है। मतलब भावे पेमेंट उदी घट होगी बट लोन अमाउंट बहुत ज्यादा होगी एंड ऑफ द डे तो पे उन्होंने ही करना जी चाहे वह अज पे कर भावे कल पे कर। सो जे अज किसी की भी अफोर्डेबिलिटी कोई चीज बनती है तो मैं लगता उन्होंने बाय कर लेना चाहिए जी। तो सब तो वड्डा सर इस समय साडे दर्शकों का भी सवाल होएगा तो मेरा भी थोड़े तो यही सवाल है कि अरोड़ा दिवाली लिए साडे दर्शकों लिए की ऑफर लेके आए हैं इस बार जी दसो जी। देखो टाइम टू टाइम अपनी ऑफर तो रहनी है बट ये चलो दिवाली हैगा अपना बहुत मतलब एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैगा तो वे असं ये डिसाइड कर रहे भी कोई भी बायर है कोई भी सैलर है कोई भी साढ़े नाल बाइंग की कोई मतलब डील जिहड़ा कोई भी साढ़े नाल कोई साडा क्लाइंट कर रहा कोई सैलिंग कर रहा कोई प्रीकॉन की बाइंग कर रहा तो कोई भी वो साढ़े नाल ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो नाल उन्हें टीम अरोड़ा के वालों गोल्ड बार दिती जाएगी एज ए इंसेंटिव दिता जाएगा। प्राइस जिहड़ा हैगा वो बेस्ट नैगोशिएट करांगे कस्टमर सर्विस ऑन टॉप ऑफ लैवल रहेगी पर उदे नाल नाल जिहड़ी गोल्ड की बार है वह भी एज ए इनसेंटिव उन्होंने दिता जाएगा जी। ये जी दिवाली वास्ते है कि दिवाली तक हूँ मतलब हाँ संडे तक दिवाली है कोई भी साढ़े नाल किसी तरह की भी कोई बाइंग सैलिंग या कोई भी इनवैसटमेंट करते हैं तो जो दिनेश जी ने दसिया तो ये असी मतलब सारे ऑफर करांगे क्योंकि काफ़ी वड्डा त्यौहार आ यह दिवाली का त्यौहार अपनी साउथ एशियन कम्यूनिटी के वास्ते और अपनी साउथ एशियन कम्यूनिटी मतलब जिम्मे कह लो कि चंगा भी महसूस करती है इन दिनों कोई वधिया चीज़ बाय करनी जिम्मे घर वगैरह बाय करना वधिया मनिया जाता तो जे तुसी बाय करना बाय करते हो तो तुहानू असी मतलब अपने वलियों टीम अरोड़ा वलियों तुहानू ये जिहड़ी गोल्ड बार आ उहदे नाल दित्ती जाएगी। बिल्कुल सर ये तो हो गया साडे ऑफर की गल्ल ते की लिस्टिंग की रहेगी इस बार साडे
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 18 ਲਾਇਲ ਵੇ ਜੀ। ਇਹ 18 ਲਾਇਲ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਟੈਚ ਘਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 4 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਡਿਟੈਚ ਘਰ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ 9 ਫੀਟ ਬੇਸਮੈਂਟ ਆ, 10 ਫੀਟ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਫਲੋਰ ਸੀਲਿੰਗ ਆ ਅਤੇ 9 ਫੀਟ ਇਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ ਸੀਲਿੰਗ ਆ ਜੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡੀਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੈਲਰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗਲਤ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ ਜੀ 18 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਏ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਔਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਔਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ 14 ਲੱਖ ਦੀ ਔਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਰੋਡ ਐਂਡ ਵਿਲੀਅਮ ਪਾਰਕਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਡਿਟੈਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਡਿਟੈਚ ਘਰ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, 10 ਫੀਟ ਮੇਨ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਆ, ਬਾਹਰ ਸਟੋਕੋ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਦੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 18 ਲੱਖ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਪਦੀ ਬਾਇੰਗ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਨੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 14 ਲੱਖ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਊਗਾ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਆ, ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿੰਡ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 25 ਓਕਲੀ ਬੁਲੇਵਰਡ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਸਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, 25 ਓਕਲੀ ਬੁਲੇਵਰਡ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਸਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਨਾਨਕ ਸਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇ ਲੋਸਨ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਮੈਕਲੋਗਲਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਰੈਂਟਡ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਨਕਮ ਦਾ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਵਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਸਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਰੇ ਲੋਸਨ ਐਂਡ ਮੈਕਲੋਗਲਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਜੀ। ਰੈਂਟਲ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੋਰ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਨੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ 6 ਫਾਲ ਮੈਡੋ ਸਰਕਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਹੈਗਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਊ ਔਰ ਬੋਨੀ ਬਰਾਸ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਊ ਔਰ ਬੋਨੀ ਬਰਾਸ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਗੀ ਆ 6 ਫਾਲ ਮੈਡੋ ਸਰਕਲ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਡਿਟੈਚ ਘਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੈਂਟਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫੁੱਲ ਬੈਡਰੂਮ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਕਿਚਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨ ਫਲੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਾਕਆਊਟ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਾਕਆਊਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਆਊਟ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੈੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ, ਲਿਵਿੰਗ ਡਾਇਨਿੰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ। 4 ਬੈਡਰੂਮ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਤੇ 3 ਫੁੱਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਵਿਊਇੰਗ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ 6 ਫਾਲ ਮੈਡੋ ਸਰਕਲ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 60 ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਸਰਕਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨਫ ਦਾ ਬਿਲਟ ਘਰ ਹੈ, ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਸਟਮ ਬਿਲਟ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ 9 ਫੀਟ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੈ, 9 ਫੀਟ ਦੀ ਮੇਨ ਫਲੋਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ 9 ਫੀਟ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਇਹਦੀ ਅਪਸਟੇਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਡੋਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਨ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 8 ਫੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੋਰ ਨੇ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਔਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਫਸਟ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਟ ਇਨ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਵਾਕ ਇਨ ਪੈਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ,
और फुली डिटैच होम और बैकयार्ड इहदा काफी डीप है पिछे नूं, तो कोई भी इस प्रॉपर्टी दे रिलेटेड कोई इनफॉरमेशन अगर आपां देख रहे होइए तां तुसीं साडे ऑफिस जदों मर्जी कॉल कर सकते हैं। और ये जिहड़ी लास्ट प्रॉपर्टी हैगी है ये हैगी 33 ऐश क्रीक ड्राइव, ये भी क्रेडिट व्यू और बोनी ब्रास के नेबरहुड दे विच है और इत्थे सारे वड्डे डिटैच कर दें। अगर कोई भी साडे भैण भरा लग्जरी डिटैच होम देख रहे हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। ये 55 फीट का वाइडर लॉट है और ये भी 9 फ्लोर के उत्ते बेसमेंट है, 10 फीट सीलिंग मेन फ्लोर पर है, 9 फीट सीलिंग जी अपस्टेयर है। और ये इस प्रॉपर्टी की मेन खासियत यह है कि उपर 5 बैडरूम ये सैकेंड फ्लोर पर ने और 4 फुल वॉशरूम ने। बैकिंग टू ए प्रॉपर्टी रवीन है, पिछे यदा पौंड है, किचन यदि पूरी वाइट किचन विद बिल्ट इन अपलायंसिस। और ये एक ऐसा प्लस फीचर है जिहड़ा तुहानू 99% घर देखने को नहीं मिलेगा, ये मेन फ्लोर के उपर फुल बैडरूम इनलॉ सुइट जिन्हों आप कहने हैं, फुल बैडरूम, फुल वॉशरूम, वॉक इन क्लोजेट एक सैट बनया हुआ मेन फ्लोर के उपर, जिदा अपने घर कोई बार बुजुर्ग पेरेंट्स होंगे या उपर नहीं जाना चाहते तो उन्होंने को थले बैडरूम भी है, फुल वॉशरूम भी है, वॉक इन क्लोजेट भी है। ये ही मेन फ्लोर के उपर ऑफिस भी बनया तो पाउडर रूम भी सैपरेट है। और सैकेंड फ्लोर के उपर 5 बैडरूम ने ते 4 फुल वॉशरूम बने हुए ने। इस प्रॉपर्टी काइंड ऑफ 2 मास्टर बैडरूम ने, जिड़ी कोई जॉइंट फैमिली जिदा कोई 2 ब्रदर वगैरह लैके रहना चाहते हैं तो बहुत ही आइडियल प्रॉपर्टी हैगी है और सराउंडेड बाय ऑल द डिटैच होम्स। जी प्रवीण जी, समा हो गया इजाजत लैन का, पर उस तो पहला साढ़े दर्शकों को एक बार जरूर दस दौ जो कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं किस तरह कर सकते हैं। मनप्रीत जी, मतलब साडा जो नंबर है स्क्रीन पर भी आ रहा, साडा ऑफिस का नंबर है जी 416-910-9923। ऑफिस साडा डेरी एंड मैकलॉगलन के कोल है जी, जिहड़ा कोर्टयार्ड मेरियट्स होटल बनया नवा वो बिल्कुल नाल है जी। बाकी मैं जाता जाता अपने दर्शकों को भी गल कहनी चाहवागा जी कि जिस तरह जी अज की मार्केट आ ये बाइंग वास्ते काफ़ी वधिया ऑप्शनस ने जी। एंड ऑफ द डे देखो मार्केट ने कदे भी हमेशा नहीं रहना इको जिहा, मार्केट हमेशा चेंज हुंदी आ और जिवें काफ़ी न्यूज़ आ रही ने कि अगले साल तो जिहड़ा इंट्रस्ट रेट आ उहदा ड्रॉप भी शुरू हो जाएगा। एंड असी भी यही एक्सपैक्ट कर रहे हैं क्योंकि असी भी महसूस करते हैं कि ये जिहड़ी मार्केट आ काफ़ी लोगों नूं काफ़ी हीट ला चुकी आ ऑलरेडी, काफ़ी लोगों नूं ये चीज़ मतलब जिवें कह लो प्रॉब्लम्स दे रही ने जिहड़ियां पेमेंट्स ने अपनियां और जिहड़ा उन्हां हायर रेट ते क्वालीफाई होना भी। बट जे अज तुहाडी कोई भी पॉसिबिलिटी बनती अफोर्डेबिलिटी तुहाडी बनती है, तुसीं मॉर्गेज लई क्वालीफाई करदे हो ता ये जिहड़ी मार्केट है बाइंग वास्ते काफ़ी वधिया मार्केट है, इहदा तुसीं एडवांटेज लै सकदे हो। और इहदे नाल नाल साडे कोल बिल्डर्स दीआं भी काफ़ी वधिया ऑप्शनस अवेलेबल ने, कमर्शियल दीआं भी ऑप्शनस अवेलेबल ने। अगर तुसीं कोई प्री कंस्ट्रक्शन बाय करना चाहुंदे हो जां कोई नवीं अपने कमर्शियल दे विच वी जे कोई प्रॉपर्टी बाय करनी चाहुंदे हो। बाकी साडा ऑफिस जिस तरह दस्सिया कि मैं डेरी एंड मैकलॉगलन दे कोल आ, तुसीं ऑफिस साडा 7 दिन खुलदा जी, वीकडे दे विच रात नूं 9 बजे तक साडा ऑफिस खुला हुंदा, सवेरे 8 बजे तो लैके वीकएंड ते सवेरे 9 बजे तो लैके शाम नूं 4 तो 5 बजे तक साडा ऑफिस खुला हुंदा। तुसीं जदों मर्जी आओ, साडा कोई ना कोई एजेंट टीम मैंबर तुहानूं अटेंड करन वास्ते उत्थे जरूर होएगा। और तुहानूं एक गल दी श्योरिटी दिंदे आ कि साडे नाल एक बार मुलाकात जरूर करो, साडे नाल जिहड़ी मुलाकात कीती आ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਹਾਊਸ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰੋੜਾਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।